हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हमें सुनने को मिल रही हैं जो सही नहीं है। लोगों ने आजकल अपनी ज़िंदगी को मजाक समझ लिया है। सुसाइड्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है जिससे वो अपने लाइफ के वरीज और प्रॉब्लम्स को झेल सकें। तो ये वीडियो सिर्फ मेरा एक प्रयास है लोगों को बताने के लिए कि ये चीज़ें कितनी गलत हैं। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एक कहानी से। ये कहानी अकबर के राज्य की है। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर मुझे खुशी भी हो और दुख भी हो। तो बीरबल ने कहा, जी जापना। फिर बीरबल ने जो लाइन बताई वो लाइन आज तक मुझे अपने आप को संभालने की ताकत देती है। वो लाइन थी, ये दिन भी गुजर जाएंगे। सुनने में ये बहुत ही सिंपल लाइन लगती है पर इसमें एक बहुत ही गहरा मतलब छुपा हुआ है। ये लाइन खुशी में भी और दुख में भी दोनों उसमें कारगर है। जैसे बात करी जाए, अगर आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और अगर आप उस चीज़ को परमानेंट मानकर बैठ जाते हैं, उसको आगे कोई मेहनत ही नहीं करते, सिर्फ यही मान लेते हैं कि वही आपके जीवन का सत्य है, तो वो गलत है। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि वो एक सफ़र है, उसमें हमें खुशियाँ भी मिलेंगी और दुख भी मिलेगा। कोई भी चीज़ कभी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं रहती, ना आपका कोई साथी, ना ही आपके दुख, ना ही आपकी खुशी। आज अगर खुशी है तो कल गम भी होंगे। तो हमें ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी, बल्कि हमें उन खुशियों को, अगर हम उन्हें कायम रखना चाहते हैं कि हमेशा वो रहे, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये नहीं कि उनके जाने पर हम दुखी हो जाएं। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपका जीवन में बहुत ही दुखी है, दुख ही दुख आपके जीवन को घेरे हुए हैं, आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, चाहे वो लव प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को लेकर कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं। लोग उस चीज़ को अपना सत्य मान लेते हैं कि यही हमारा जीवन है, हमारा जीवन अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और वो उस स्ट्रेस को जब वो झेल नहीं पाते तो वो ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो स्टेप्स उनकी उनके ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे फैमिली के लिए, उनके उनके लव्ड वंस के लिए भी बहुत बुरा हो जाता है। तो हमें ऐसी हरकतें करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो हरकत हमारे जीवन की, मतलब हमारे रिलेटिव्स को कैसा लगता है। क्या आपकी माँ ने आपको सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि आप एक पल में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें? नहीं, उन्होंने आपको पैदा किया ताकि आप उनका सहारा बने, बुढ़ापे में उनको सहारा दें, हमेशा उनके साथ रहें। आपके पिता ने आपको चलना सिखाया, वो इसलिए नहीं कि आप किसी ठोकर से गिरकर अपने आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर लें, नहीं, उन्होंने आपको सिखाया कि आप उठो, खड़े हो, जीवन यही है यार। जितना आप इसको नेगेटिव लोगे उतनी नेगेटिव, पर अगर आप इसके हर उसमें पॉजिटिव वे ढूंढो, क्योंकि अगर कुछ आपके साथ गलत होता है तो उसके बाद सही होना निश्चित है। ज़िंदगी अगर आपके साथ कुछ भी बुरा करती है तो वो उसका बदले में सही ज़रूर करेगी। बस हमें सही समय का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। तो बस, और अब सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने रिसेंट में सुना कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया। क्यों यार, 10th क्लास, अगर तुम्हें पढ़ाई का भी प्रेशर था तो तुम ये सोचो कि 10th क्लास इज़ नॉट अ फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास यार, और कोई भी क्लास आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। एक पीस ऑफ पेपर से आप अपने फ्यूचर को कैसे डिसाइड कर सकते हो यार। कई स्टूडेंट आए, मतलब इंजीनियरिंग के, 12th एंड ऑल, वो सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी जान इसलिए देते थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आए होते हैं, जब वो अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे। अरे क्यों यार, लाइफ में और मौके होते हैं जहाँ सिर्फ आपको नंबर्स की या पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती। कई ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ आप अपने आप को उठा सकते हो,
आज दुनिया में कई ऐसे सफल लोग हैं जिन लोगों ने कभी पढ़ाई तो जिन्हें मिली नहीं है जीवन में, जिन्होंने पढ़ाई देखी नहीं है कि कैसी होती है, बट वो लोग आज इतने सक्सेसफुल हैं। तो हमें उनका एग्जांपल लेना चाहिए कि वो लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बने। उन लोगों के जीवन में भी बहुत परेशानियाँ आई हैं, यहाँ तक कि अंबानी, बिल गेट्स, इन सबके जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट ये लोग उसका सामना करते हैं तभी वो अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना पाए। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम सभी को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहिए, चाहे प्रॉब्लम्स हो चाहे खुशी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। इसे याद रखें, अपने जीवन को सिर्फ कुछ प्रेशर्स के कारण ख़त्म मत करो यार। लोगों से अगर आपको कोई प्रेशर है तो उसे डिस्कस करो, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, बट ऐसा कोई स्टेप मत उठाओ जिससे आपकी फैमिली की लाइफ बर्बाद हो जाए। आप